सुपरहिट होने के बाद अचानक फ्लॉप हुआ यह एक्टर कहां लोगों से मिलकर काम मांगता। बॉलीवुड के 80 तथा 90 के दशक के चर्चित कलाकार चंकी पांडे ने हाल ही में अपनी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए। वहीं हाल ही में उन्होंने कहा, सफलता का स्वाद चखने के बाद घर पर बैठना कठिन है, लेकिन खुद को छोटी छोटी चीजों में मसरूफ रख आगे बढ़ा जा सकता है। जी हाँ, तेजाब, आग ही आग और आंखें जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में जगह बनाने वाले चंकी को अचानक बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया था और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वहीं कुछ सालों तक वहीं काम करने के बाद उन्होंने एक बार फिर फिल्म हाउसफुल 2010 और बेगम जान 2017 से बॉलीवुड में वापसी की, जो शानदार रही। वहीं हाल ही में चंकी ने कहा, 1993 में आंखें जैसी हिट फिल्म देने के बाद मेरे पास काम नहीं था। मैं एक साल तक खाली घर बैठा रहा। मेरे पास केवल एक तीसरा कौन नाम की फिल्म थी। इसके बाद मुझे बांग्लादेश में काम करने का मौका मिला और मेरी पहली फिल्म सुपरहिट रही। मैंने वहां 3 से 4 साल तक काम किया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि बॉलीवुड मेरी असली पहचान है। जब मैं हिंदी सिनेमा में वापस आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि एक पीढ़ी मुझे पूरी तरह भूल चुकी है। मैंने संघर्ष करना शुरू किया। मैं लोगों से मिलता, काम मांगता और खुशकिस्मती से मुझे काम मिल गया। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि फिल्मकार हैरी बवेजा, सुभाष घई और साजिद नाडियाडवाला ने मुझे अपना करियर दोबारा बनाने में मदद की। इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगता है कि एक अभिनेता को झिझकना नहीं चाहिए। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना काम के घर पर बैठने से आप तनाव में घिर जाते हैं, विशेषकर तब जबकि आप शोहरत की बुलंदियां छू चुके हों।